वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है तोहम परस्ती, यानी कि सुपरस्टिशियस होना। वजूहात क्या हैं, क्यों लोग इसका शिकार हैं, और अभी तक हमारे माशरे में ये चीज़ मौजूद है, कुछ सच है, झूठ है, क्या है, ये सब डिस्कशन करेंगे। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर ताहिरा रुबाब, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर ताहिरा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर ताहिरा। सुपरस्टिशियस होना, तोहम परस्ती, बेसिकली है क्या? बेसिकली उर्मिला, सुपरस्टिशंस जो हैं वो हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हों एक्चुअली। और इसको हम होना क्या है कि कुछ ख़ास इस तरह के बिलीफ सिस्टम्स आपके होना, जिसके जिसको ना करने से आपको परेशानी हो, रिचुअल्स जिसको हम कहते हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको आप काउंट करते हो। जैसे अक्सर कई लोगों ने सुना हो, काली बिल्ली रास्ता काट जाए, तीन का वर्ड जो बड़ा कुछ लोगों के लिए लकी होता है, कुछ लोगों के लिए बुरा होता है, सेवन का हिंसा जो अच्छा है, थर्टींथ डे जो है वो डेट जो है वो एक नहुसत की निशानी है, दूध का गिरना जो है वो अच्छा है, मुड़ के कोई आपको आवाज दे दे, कांच का टूट जाना वो ठीक नहीं है, कोई काम जो है वो ट्यूजडे पे नहीं शुरू करना चाहिए। सो ये वो सारे सुपरस्टिशंस हैं जो हमारी सोसाइटी में बड़े कॉमनली हमें नजर आते हैं। और इसी तरह से इवन हमारी जो रिलीजियस चीज़ें हैं उनको भी एसोसिएशन उनकी भी हम इन चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि ऑफकोर्स ये बिलीफ सिस्टम है आपका, आप इसको चैलेंज तो उस तरह से नहीं कर सकते, मगर कुछ चीज़ें जिनके बारे में हमें बड़ा क्लियरली पता होता है कि इनका इफेक्ट हमारी लाइफ पे उस तरह से नहीं है। जैसे कुछ लोगों का ख्याल है कि तीन दफ़ा उसने कोई एक तस्बीह पढ़नी है तो ही वो उसके लिए सेटिस्फेक्शन हो सकती है, या उसने वो काउंटिंग उसके लिए खराब हो गई है तो फिर वो उसने नए सिरे से शुरू करना है, नए सिरे से शुरू भी करना है, और उसको लगेगा कि अब कुछ क्योंकि मैं भूल गया हूँ या कुछ हो गया, तब कोई ना कोई जिसको वो एक हिंदी का लफ्ज में बड़ा कॉमनली लोगों के मुंह से सुनी, अपशगुन हो गया, एग्जैक्टली ये कुछ समथिंग बुरा हो गया। सो वो जो चीज है ना वो है कि लोगों का किस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीफ है। सुबह उठते हुए जैसे मुझे मैं अपनी एक क्लाइंट को ही देख रही थी, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो सुपरस्टिशंस पे तो नहीं, मगर ये एक एग्जांपल उसकी जरूर है कि सुबह उठते ही अगर मैंने फलां बंदे का जो है वो चेहरा देख लिया या ये वाला लफ्ज मेरे जहन में आ गया तो पूरा दिन नहीं ठीक बुरा गुजरेगा या कुछ ऐसे, इस तरह से चीजें ट्रिगर होती हैं एक्चुअली। और ये बिलीफ सिस्टम्स जो हैं हमारे, ये ओवर द टाइम ऑफ पीरियड जो है वो बनना शुरू होते हैं, और वो हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली की वजह से बन रहे होते हैं। और समटाइम्स ये सुपरस्टिशंस जो हैं ये जनरेशन टू जनरेशन भी चल रहे हैं। जैसे अभी तक हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सुपरस्टिशंस हैं जो जिनको हम शायद साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकते, बट पीपल डू बिलीव दैट, अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। इवन यूरोप जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं, वहां पर सुपरस्टिशन इतना कॉमन है, इतना ज्यादा है कि यू वॉन्ट इवन बिलीव। जैसे उनका वो जो एक आजकल हम लोगों ने भी वो एक नाइट क्या है, हैवोलिन नाइट जो हम लोग हेलोविन जो है, हेलोविन सॉरी, जो हम मनाना शुरू हुए हैं, और उसमें बाकायदा यूरोप में ये बिलीव किया जाता है कि इस रात जो चुड़ैलें वगैरह जो है वो आती हैं बाहर और उनको उनके रूप में घूमते रहते हैं, उनके रूप में, और उनको यानी वो उनसे अपने आप को दूर करने के लिए वो चीजें जो है वो की जाती। सो दिस इज अनदर वे टू इंड्यूस द सुपरस्टिशंस। हम यानी उन त्योहारों को, उन चीजों को बहुत इस तरह से मनाना शुरू हो गए हुए जिनका हमारी रियलिटी से टू सर्टेन एक्सटेंट शायद इतना कांटेक्ट है कि कुछ चीजों के ऊपर हमारा बिलीव होना चाहिए और कुछ पे नहीं होना चाहिए, मगर उनको बकायदा तौर पे सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि हम उन सुपरस्टिशंस को बढ़ा रहे हैं, उनको रीइंफोर्स कर रहे हैं, और हम अपने आने वाली जनरेशंस को ये बता रहे हैं कि ट्रूली दे एग्जिस्ट, और उनको इस तरह से करके उनसे छुटकारा जो है ना वो हासिल किया जाता है। सो एक्चुअली ये इस बात को शेयर करने का मतलब ये है कि ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारी बातों में अपने आप को, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह के जान छुड़ा लेते हैं, मगर ये दुनिया भर में मसला, दुनिया भर में मसला है, ये दुनिया भर का मसला है कि लोग सुपरस्टिशियस हैं, और वो कुछ खास नंबर्स इवन लोग काउंट करते हैं कि जिसके ऊपर, और इसका लेना देना एक्चुअली आपके बिलीफ सिस्टम से होता है सारा कुछ। जैसा आपका दिमाग सोच रहा होता है चीजें आपके साथ उसी तरह से ही होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आज काली बिल्ली रास्ता काट गई तो आज का दिन खराब हो जाएगा, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है मेरे ख्याल से। ट्रूली होता है, बहुत सारे लोग इन चीजों की वजह से, इन सुपरस्टिशंस की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। जैसे ओसीडी जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, उसमें भी यही सारी चीजें जो है ना वो हो रही होती हैं कि जैसे कुछ और सुपरस्टिशंस जो हैं जो हमारे रिलीजन से लोग एसोसिएट कर देते हैं उसको,
तो वो चीज़ें जिस तरह के कुछ ख़ास जो ख़ास आयाम होते हैं औरतों के, उनमें जैसे उन्होंने जी बहुत सारे काम नहीं करने, उनको ठंडा पानी नहीं पीना, उनको ये नहीं करना, वो ये वो सारी चीज़ें हैं जो सुपरस्टिशंस का हिस्सा हैं, जिनका रियलिटी के साथ जो है वो कांटेक्ट उस तरह से नहीं, क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट्स नहीं है. तो वो ऑफकोर्स जब हम जो है वो ये नहीं, मसलन जैसे ऑफकोर्स कब्रिस्तान में जाना औरतों के लिए कुछ सर्टन डेज में मना है, मगर बाकी लोगों का यूजली ये भी ख्याल है कि वो औरतों का ही मना हो चुका हुआ है. दरबारों के ऊपर ये इस तरह की चीज़ें, जैसे दरबारों के ऊपर भी बहुत सारी मन्नतें या सजदे लोग बहुत एक्सट्रीम चीज़ों के ऊपर जो है वो चले जाते हैं. सो उसमें कहीं ना कहीं हम बीइंग मुस्लिम, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शिर्क का एलिमेंट उसमें आ रहा होता है उन चीज़ों में, जब हम इतने ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो रहे होते हैं तो हम शिर्क की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं. मगर जो एज ह्यूमन हमारे ऊपर इफेक्ट हो रहा होता है, तो हम बहुत सारी चीज़ें जो कि हम कर सकते हैं, मगर हमारी सोच को हमने एक वो डिब्बे में बंद करके रख दिया, यानी 3 में 7 में 13 में काली बिल्ली में दूध का गिरना, ये सारी चीजों के साथ हमने अपनी फेट को, अपनी लक को, अपनी इंटेलिजेंस को कर दिया हुआ, जिसकी वजह से हम बहुत सारी और नई चीजें एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बहुत सारी और अपने ही पोटेंशियल्स को हम नहीं ट्राई कर सकते. तो वो उसमें ये चीजें हमें कंसिडर करने की जो जरूरत है, जैसे अक्सर आपको पता होगा ये भी एक बिलीफ सिस्टम है कि जी किसी की जुबान काली हो तो वो इस तरह से जो है वो कुछ कह दे तो वो, हाँ, कुछ वो काली जुबान. हालांकि वो काली जुबान आज तक मैंने ऑनेस्टली नहीं देखी, और अगर वो होगा वो होती है, ये नहीं मैं कह रही, लेकिन उसके कहने से वो डॉट्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकली कुछ और चीज होती है, जुबान का काले होना वो नहीं, वो हालांकि उससे रिलेट किया जाता है, ट्रूली उससे रिलेट होता है. इवन हम आम रूटीन में बोलते हैं ये ना बोले तुम्हारी तो जुबान ही काली है. Exactly. और जैसे ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनकी वजह से हम अपने आप को बहुत लिमिटेड विजन्स में रखते हैं, हम चैलेंज ही नहीं कर पाते कि जी हमारी जो चीजें हैं वो एक्चुअली. तो ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल आपकी हेल्थ में आती हैं, काम की जाती हैं, साइकोलॉजिकल हेल्थ में भी आती हैं, और क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ को ऑपरेट करती हैं, ये सारी चीजें जो है हमारा जितना बिलीफ सिस्टम है उसी से हम अपनी डे टू डे रूटीन जो है उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं. तो उसी बिलीफ सिस्टम की वजह से ही इंसान जो है बहुत सारे टाइम पे फेलियर और सक्सेस की तरफ चला जाता है. आपका बिलीफ सिस्टम ही, आपके इरेशनल बिलीफ जिसको हम खास तौर पे कहते हैं, ऑलमोस्ट मोर ऑर लेस सवाए वो कुछ खास जहनी अमराज जो जिसमें दिमाग में कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं, इंसान की जिस्म में कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं, उनके अलावा ज्यादातर जो जहनी अमराज होते हैं उनमें इन इरेशनल बिलीफ्स का, यानी ये गैर मंतकी जो ख्यालात और बिलीफ्स अकायद होते हैं इंसान के, या बिलीफ सिस्टम उसने अपना बनाया, उन्हीं का ही रोल होता है एक्चुअली सारा, और उन्हीं को ही चैलेंज करना होता है. जैसे मैं बार बार ओसीडी का नाम ले रही हूँ, क्योंकि ओसीडी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत सारी सुपरस्टिशंस उसके बारे में जो है ना वो उसी के ऊपर लोगों को बिलीव होना शुरू हो जाता है, काउंटिंग्स उसी की तरफ जाना शुरू हो जाती है लोगों की. तो वो उसमें हम इरेशनल बिलीव्स को ही लोगों के चैलेंज करते हैं कि अच्छा, जैसे अक्सर लोग आके ये बात कहते हैं कि मेरे साथ आज ये हुआ तो मुझे पता, आज ये हो गया था ना, मेरी आंख जैसे फड़क रही है तो कुछ गलत होने वाला है, तो हाथ में भी कुछ हो रहा है, बारिश हो रही है तो पैसे मिलने वाले, इस तरह की चीजें जो है वो है. तो वो हम उनके इन इरेशनल बिलीव्स को ही चैलेंज करते हैं अब साइकोलॉजिकली, कि अच्छा इसमें कितना फैक्टर, आपने अभी तक अपनी जिंदगी में इसको कितना होते हुए देखा है, और फिर आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि आपके साथ अगर ये हो गया है तो यही बाकी सबके साथ भी होता है, यही आपके साथ होगा भी, क्योंकि एक्चुअली ये सुपरस्टिशंस नहीं है, ये वो चीज है जिससे, जैसे मैं पहले से अपने दिमाग को रेडी कर रही हूँ कि ये होना है, हाँ ये हो गया तो ये अगर मेरे साथ ये हुआ तो आगे बार बार उसको रीइन्फोर्स, और लकीली और अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा एक्सीडेंटली हो गया तो मेरा बिलीफ उसके ऊपर मुकम्मल हो जाएगा कि ये ऐसे हुआ था तो ये यकीनी तौर पे ऐसा जो सोचते हैं ज्यादातर वही इम्पैक्ट आता है, वही चीज़ 100% वो इम्पैक्ट आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर, जो आप सोचते हैं वही आप कर भी रहे होते हैं अपनी लाइफ में. जैसे बहुत सारे टाइम पे लोगों का ख्याल होता है किसी खास जगह के ऊपर धागे बांधने से कुछ चीजें जो हैं वो, मन्नत तो एक जो जैसे आप रोजे की मन्नत मांग सकते हैं, आप नवाफिल की मन्नत जो है वो मान सकते हैं, वो चीजें तो समझ आती हैं कहीं ना कहीं कोई सदका खैरात करने की, मगर ये जो कुछ और चीजें हैं धागा बांधना ये वो, इस तरह की चीजें जो 7 दिन वहां खड़े रहने से ये चीजें हो जाती हैं, तो ये सारी हमारे सुपरस्टिशंस का हिस्सा है जो कि हमें साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि जब आप बहुत सारी चीजों में इन चीजों को कर भी रहे होते हैं
तो वो इम्पैक्ट वो चीज़ें नहीं नज़र आती हैं आपको और आप उससे डिस्टर्ब होते हैं, या फिर जब वो खास नंबर आप पूरा नहीं कर पाते हो जो आपको करने का कहा गया है, तो आप ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारे जैसे अगर आप अपनी 3-4 लगातार लोगों की फेलियर्स हो जाएं, ये भी मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों से ये चीज़ें उनको कहते हुए सुना है कि 3 दफ़ा अगर आपका एक काम ना हो तो टेक इट के ये नहीं होना, ये नहीं हो रहा, जबकि हो सकता है कि वो 4th टाइम करने के ऊपर ही उसने होना हो, 3 टाइम्स आपने उतनी एफर्ट्स नहीं पुट की कि वो हो जाए. सो इस तरह के बिलीव जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं और आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहे होते हैं. जिस तरह के कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जी अगर किसी की आंख, जैसे बच्चों के बारे में अगर आपको पता हो कि अगर कुछ बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं, मेंटल रिटार्डेशन में आ जाते हैं, तो लोग उनके बारे में इस तरह की बातें करना शुरू करते थे, ये साई लोग हैं, इनसे दुआएं करवाएं, ये अल्लाह ताला इनकी दुआएं ज्यादा सुनता है. सो ये वो सारे बिलीव है हमारे जो इनका हकीकत के साथ उस तरह से ताल्लुक नहीं होता, मगर इन्होंने हमें ट्रैप किया हुआ अपने अंदर, जिसकी वजह से हम इन सुपरस्टिशन से बाहर निकल के अपनी लाइफ को एक्चुअली ट्राई ही नहीं कर पाते. अच्छा, बियॉन्ड दिस बिलीफ ताहिरा एक बात ये भी तो है ना कि जनरेशन से जनरेशन आगे चीजें ट्रांसफर हो रही है. मुझे अगर मेरी अम्मी ने बताया तो मेरी अम्मी को मेरी नानी ने कहा होगा, नानी को उनके जो मामलात है वो सारे चलते आ रहे हैं. तो वो इतनी डॉक्टर हो चुकी हैं कि इनको अगर एक बंदा भी बीच में से उठ के कुछ कहेगा तो वो चीजें मुश्किल हो जाती है. इनफैक्ट जो बात है ना उर्मिला, लोगों के इस माइंडसेट को ही चेंज करना, लोगों के क्या किसी के भी माइंडसेट को चेंज करना ही एक्चुअली इज समथिंग विच इज वेरी बिग एंड चैलेंजिंग. अगर आपका माइंडसेट चेंज होता है तो आप जो है चीजों को कर पाते हैं, मगर ये बिल्कुल इतने स्ट्रांगली इनग्रेव हुए हुए हैं हमारे अंदर ये सुपरस्टिशंस के. मैं ऑनेस्टली साइकोलॉजिस्ट के मुंह से इस तरह की चीजें सुनती हूँ कि यार नहीं, ये इस तरह करने से ना इस तरह हो जाता है, इस तरह करोगे तो ये हो जाता है, आज ये दिन है तो ये चीज़, यानी लिटरली साइकोलॉजिस्ट इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कर रहे थे, जो कि मुझे, मैं उनकी इंसल्ट नहीं करना चाह रही हूँ, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मैं सिर्फ बताना ये चाह रही हूँ कि हम सब पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो इसके अंदर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं. मसलन कोई एक चीज हमारे साथ गलत हो जाती है तो हम उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे होते हैं कि जी ये इस दिन ये हुआ था ना तो इसलिए ये चीज जो है होगी. जैसे अगर बड़ों में से किसी ने एक ने मना भी कर दिया आपको कहीं बाहर जाने से और गॉड फॉरबिडन उसी दिन कुछ आपके साथ बुरा भी हो जाए, तो आप उसको भी अपने सुपरस्टिशियस उसमें ले जाते हैं कि यार मना किया था ना, नहीं जाना चाहिए था, जब बड़े मना कर दें या जब कोई और मना कर दे, जब इस तरह नॉर्मली मेजोरिटी ये होता है, ट्रूली ये होती हैं चीजें, जबकि वो एक ऐसी चीज है जो कि लाइफ हैपनिंग है ना, वो होनी ही होनी होती हैं चीजें, मगर लोग उसको रिलेट करके अपने आप को बहुत ज्यादा कॉर्नर करने की कोशिश कर देते हैं. जो एक यूनिवर्सल इम्पैक्ट आता है, आप ये देखेंगे अभी रिसेंटली मुझे जो है ना वो नॉर्दर्न एरियाज में जाने का जो है ना वो इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे तो लाइफ ही थोड़ी सी और तरह की है. तो मैंने वहाँ पे देखा कि उन लोगों ने अपना एक रिचुअल बनाया हुआ है जिसमें कि औरतें जब प्रेगनेंसी में चली जाती हैं तो लास्ट 4 मंथ्स में दे स्टे इनटू सम हाउस, एक उनका वो मुकद्दस घर बना हुआ है जिसमें वो स्टे करती हैं और उसमें वो रेस्ट 4 मंथ्स उन्होंने वहीं गुजारने हैं, और उसके बाद जब बेबी डिलीवर हो जाएगा फिर उससे अगले 2 महीने भी उन्होंने वहीं पे ही गुजारने हैं. वो इसलिए कि जी इसमें इस तरह करने से बच्चे की सेहत जो है ना, वो बच्चा और माँ की सेहत जो बहुत ज्यादा महफूज रहती है और उसमें उसकी फैमिली का कांटेक्ट नहीं होता उस टाइम. अच्छा. के दौरान सो अब इस तरह के जो प्रैक्टिसेस हैं हमारी, ये हमारी सुपरस्टिशंस में होती हैं कि यार आप क्या चीजें प्रैक्टिस करना शुरू हो गए, यानी वो आपका एक कस्टम बन गया हुआ है. exactly. एक चीज जो थी वो आपने कहीं सोची है, वो आपने उसको कस्टम बना के उसको उसी तरह से करना शुरू कर दिया हुआ है. सो इसी तरह की बहुत सारी चीजें, अक्सर माएं, आपको पता है कि काला धागा जो है उसकी फजीलत हमारे उसमें बहुत ज्यादा है, रिलीजियसली लोग उसको बहुत ज्यादा फजीलत, सब्ज और ग्रीन कलर जो है, अक्सर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि जी ग्रीन कलर जो है वो नहीं पहनना चाहिए, ब्लैक कलर जो है उसका ये नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं. ब्लैक कलर में बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी फैमिलीज में इवन पहना ही नहीं जाता कि जी हमारी लड़कियां पहनती हैं, पहनने देते हैं. हमारी लड़की, मैंने इवन ये भी एक फैमिली में सुना कि हमारी लड़कियां पहनती हैं उनकी डेथ्स होना शुरू हो जाती है, यानी ये इतनी ज्यादा सुपरस्टिशन इन चीजों के साथ. यानी
ब्लैक जो है ये बड़ा इजी है, आप इसको बड़े इजीली कैरी कर सकते हो, मगर हमारी लाइफ, यानी हम, मैं ये सोचती हूँ कि हम इन्हीं चीज़ों के अंदर कहीं घुट फिट के ना मरने के चक्रों में हम इससे आगे चीज़ों को लेके नहीं जा रहे कि ब्लैक कलर का मौत के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है, वो कैसे आपको मार सकता है। सो इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारी हमें, हमारे नज़रियात को, हमारे ताल्लुकात को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि नई जनरेशन जो है वो किसी ना किसी हद तक इन चीज़ों को नहीं कबूल करती। हमारी जनरेशन तो शायद कहीं ना कहीं अभी भी इस इन्फ्लुएंस में है कि सुपरस्टिशंस जो हैं वो यू वोंट बिलीव, कि जब मैं बाहर थी तो हम यहाँ पे जिन भूत सुनते हैं ना कि जिन भूत होते हैं, तो मैं एक दिन रात को 12 बजे अपने हॉस्पिटल से वापस आ रही, तो मैंने रास्ते में वापस आते हुए सोचा कि अच्छा यहाँ पे तो कोई जिन भूत नहीं होगा, यहाँ पे वैम्पायर्स होंगे। यानी दिस इज हाउ इट इज कि ये इनग्रेव किस तरह से चीजें मीडिया के थ्रू या जैसे हमने सुनी सुनाई चीजें होती हैं तो वो इनग्रेव होना शुरू हो जाती हैं आपके अंदर, और आप उसको टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और आपका माइंड जब आपके दिमाग में कोई चीज आना शुरू हो जाती है वो आपको कहीं ना कहीं उसके कुछ विजुअल फैक्ट्स भी देना शुरू कर देता है, और फिर आपका बिलीव उन चीजों के ऊपर पुख्ता होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर खारा, इन चीजों से अवॉइड तो किया जा सकता है मैक्सिमम जितनी हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वही बात की एक ऐसी चीज है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि बहुत टाइम चाहिए इसमें चेंज आने में। थोड़े थोड़े टिप्स जो आप देना चाहें। एक्चुअली तो मैं जैसे पहले कह चुकी हूँ कि टेस्ट करें कि भाई रियलिटी है भी या नहीं आपके साथ। जो अभी आई ट्विचिंग एक हमारी हो रही होती है अक्सर, एक सिंपल सी चीज है, आई ट्विच जब कर रहा होता है या हाथ में जब खारिश हो रही, तो कितनी दफा आपको पैसे मिले, कितनी दफा आई ट्विचिंग पे राइट करने या लेफ्ट करने पे अच्छा और बुरा आपके साथ हुआ। ये बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल्स हैं, हम अपनी जिंदगी को, हमें इजी करने की जरूरत है, ना कि हम अपने आप को कुछ बड़े सेट बिलीव जो है उनके अंदर ही आप रखें। आप अपनी जिंदगी को सिंपल बिल्कुल करें, ह्यूमन ग्राउंड्स के ऊपर लेके आए कि ह्यूमनली क्या चीजें पॉसिबल है और क्या चीजें होनी चाहिए और इंसानों को किन चीजों से फायदा होता है। ट्राई करें कि वो चीजें जो कि इंसानों की जिंदगी को तंग करती हैं, नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं, कहीं ना कहीं उनको किसी मुसीबत में फंसाती हैं, उनको दूर करने की कोशिश जो है वो करें, ताकि आप भी सहल जिंदगी गुजार सकें और दूसरों के लिए भी बहुत ज्यादा जो है वो आसानी पैदा हो सके। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर तायरा, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हम ना चाहते हुए भी करते हैं, मतलब समटाइम्स अगर आप उस चीज को अपने माइंड से झटक रहे हैं लेकिन कोई ना कोई आपके अंदर वो चीज इंडक्ट कर देता है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसको भी लेकर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है, पता है कि और ऐसा तब होता है उर्मिला, खासतौर पे जब हम किसी ऐसे एक बैड पैच ऑफ लाइफ चल रहे होते हैं ना, यानी जिंदगी का कोई ऐसा बुरा टाइम या बुरा मुश्किल वाला टाइम जिसमें आपको जिसको हम समझते हैं कि इम्तिहान की घड़ी आ गई है इंसान की जिंदगी की, इस तरह की चीजें जब होती हैं, यानी जब हम ऑलरेडी डाउन होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो इस तरह की चीजें ज्यादा ट्रिगर करती हैं और हम बार बार उन चीजों के बारे में सोचते हैं। फिर हम उनका कनेक्शन बनाते हैं असल में। जब वो कनेक्शन बन के हमारे सामने आता है तो हमारा वो बिहेवियर स्ट्रांग हो जाता है कि अच्छा ये ऐसे था, हम खुद ही कनेक्शन उनके क्रिएट करके उनका बिलीफ अपना बनाना शुरू कर देते हैं, और फिर हम उन्हीं को रीइन्फोर्स भी करना शुरू करते हैं और हम खुद भी एजुकेट करते हैं कि देखो इस तरह मेरे साथ एक दफा हुआ था, हम अक्सर इस तरह बात करते हैं, इस तरह मेरे साथ एक दफा हुआ था और उससे पहले ये हुआ था, मैंने ये किया तो इस तरह से ये ठीक हो गया, या ये वाकई इस तरह से होता है, हम इस तरह से उसको आगे कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं, जबकि हम खुद भी अगर लॉजिकली देखें तो शायद चीजों के आपको सीक्वेंसेस उस तरह से नहीं मिल पाते। ठीक हो गया, ठीक। सो टेस्ट द रियलिटी, उस ग्राउंड को जरूर चेक करें जिसपे आप लोगों को चीजें एडवोकेट कर रहे हैं, उनका कितना फैक्ट है, वो कितनी इम्पैक्ट है, वो खुद भी एनालिसिस आप कर सके ना कि किस तरह से हो सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तायरा, बहुत शुक्रिया जनाब। आज हमने डिस्कस किया सुपरस्टिशियस होना, तोहम परस्ती होना किसी हद तक ठीक भी है और किसी हद तक आपके जो साइकोलॉजिकल जो है मामला उस पर भी आती है। तो जनाब ये तो मैसेज हमने कन्वे कर दिया, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मैं और भी मेहमान ज्वाइन करेंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।